हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप में कोई भी जो है वीडियो या तो फिर फ़ोटो वगैरह सेंड करता है और आप लोग यहाँ पे उसको जो है व्हाट्सएप में डाउनलोड कर लेते हैं, बट व्हाट्सएप में डाउनलोड करने के बाद वो जो फ़ोटो या वीडियो रहता है वो यहाँ पे आपके फ़ोन के फाइल मैनेजर में या तो फिर जो गैलरी होता है वहाँ पे शो नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे एप्लीकेशन में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन में क्लिक करना है और इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है सर्च बार पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से व्हाट्सअप लिखना है। आप लोग यहाँ पे व्हाट्सअप पे लिखिए और इसको जो है ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को जो है ऐप परमिशन पे आना है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों जो है व्हाट्सएप में ऐप परमिशन की सेटिंग्स नहीं करी होते हैं जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। तो आप लोगों को दोस्तों अपने फ़ोन में जो सारी सेटिंग्स है, परमिशन सेटिंग्स जो भी है वो आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में अलाउ करना है, वन बाय वन क्लिक करके अलाउ कर देना है। और दोस्तों एक बात का आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये जो फाइल एंड मीडिया का है परमिशन है उसको आपको अलाउ करना है और ये जो फ़ोन का परमिशन है उसको भी आपको अलाउ करना है। तो आप लोग यहाँ पे सारे परमिशंस को अलाउ कर दीजिए। यहाँ पे जो भी परमिशन दिख रहा है सारे के सारे परमिशंस को आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो आप लोग अलाउ करिए और उसके बाद दोस्तों आप लोग चाहे तो अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाके व्हाट्सएप का जो ऐप है उसको आप लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।